कि जनाब आजकल केक्स एंड बेक्स से भी अवॉइड करें, क्योंकि इनके भी जो है ना केक्स में से चूहे निकल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप तो मैकडॉनल्ड्स हम लोग पहुंच चुके हैं और बड़ी देख के खुशी हुई है कि जो है ब्रांच इस टाइम इन लोगों की बंद है। सर्दी जनाब बाहर, तो मैं ना कुछ जर्सी ना कुछ भी पहन के नहीं आया, और अभी बाहर आके दो मिनट में जो है ना हाथ सुन्न हो गए मेरे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करते हैं मैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू करते हैं अपना आज का मजेदार ब्लॉग, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं अपना आज का मजेदार ब्लॉग। अच्छी बात कर रहा हूँ जनाब, बहुत ठंडी हवा चल रही है यार। आज मैं ज़रा सुबह उठ गया हुआ था, नमाज पढ़ी है, तो मैंने कहा यार चलती जल्दी जो है ना चलते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। फिर जब सूरज निकल आता है ना, फिर मज़ा नहीं आता यार वॉक करने का। अब मैं तो इस वजह से जल्दी निकल आया था, लेकिन मैंने जब कमरे से बाहर निकला हूँ ना, मुझे घर में इतनी सर्दी महसूस नहीं हुई। अभी मैं बाहर आया और बाहर तो अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है और हाथ मेरे सूज हो गए हैं। खैर वॉक तो अपनी जो है वो करेंगे, काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हैं वॉक, तो अभी जो है ना मेन रोड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक करते हैं वॉक। और बाकी जो है ना आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपनी पूरी रूटीन जो है ना आज की आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब मस्ट है। उन्होंने जनाब चादरें टोपियाँ जर्सियाँ जराबें सब कुछ पहनना शुरू कर दिया और हम सिर्फ ऐसे ही बाहर आ गए, सिर्फ टोपी ली और बाहर आ गए। इस तरफ है कैंची मोड़, खाली पड़ा है सब कुछ, अभी सुबह सुबह का जो टाइम है, तो हम मेरा दिल है कि आज हम थोड़ा सा ना इस तरफ जाते हैं, आगे से टूर शुवर करके आते हैं वापस। जितना आगे जाना है उतना ही वापस आना है, इस चीज़ का आज ज़रूर ख्याल रखना है। आगे मैं इतना आगे चला जाता हूँ, वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। जितनी ठंडी हवा चल रही है ज़्यादा आगे तो जाया भी नहीं जाना है, इंशाल्लाह कल को पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बाकी आज जो है ना छुट्टी है स्कूल से, सॉरी संडे की तो हर जगह छुट्टी होती है आपको पता ही है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि भाई हमें पिछले 3 दिन से लगातार छुट्टियां जो है हमारी चलती हुई आ रही हैं, और छुट्टियों की वजह तो आपको पता है कि ये जो सुबह सुबह टाइम फोग होती है, ये स्मोक सॉरी फोग भी होती है, लेकिन अभी स्मोक का इशू बना हुआ है, स्मोक की वजह से हमें छुट्टियां हुई हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना स्मोक ज़्यादा होने की वजह से हादसात होते हैं। और बाकी जो वजह बनती है वो यही होती है कि ये जो हमारी पोल्यूशन होती है, ये सारा दिन जो है गाड़ियां भाग रही होती हैं, दुकानें खुली, वैसे दुकानों से कैसे हो सकती है स्मोक, मुझे इस बात की समझ नहीं है, कोई ना कोई रीज़न होगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है ना 3 दिन शॉप्स की एक लिमिट बनाई है, इस लिमिट के पास शॉप्स खुलेंगी। आज तो पूरा दिन ही शॉप्स खुल सकती, पर कल की जो लिमिट थी ना शॉप की, कि 3 बजे के बाद यानी कि दोपहर के 3 बजे के बाद शॉप्स ओपन हो सकती थी, अदरवाइज़ जो पहला पीरियड है ना उसमें पुलिस वालों ने बार बार दुकानें जो है ना आके बंद करवाई हैं, यानी सख्ती भी है साथ साथ। ये टाइलें पड़ी हुई हैं मार्बल, लेकिन इसको चोरी करना कौन सा मुश्किल बात है यार, किस तरह जंजीरें मारी हुई हैं, ऊपर तो सारा इससे ही पड़ा हुआ है यार। शॉप की साइड पर भी जो है ना मार्बल काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है ये ऐसे ही रख के चले जाते हैं, बड़ी बात है कि यहाँ से कोई उठाता नहीं है, शायद उठाता भी होगा तो उन्हें पता नहीं चलता होगा। सामने भी शॉप्स हैं, उनका भी जो है ना सामान यूँ ही बाहर पड़ा है, और पीछे भी शॉप है उनका भी बाहर पड़ा, क्या बात है यार। हम मेरे देखते ना ट्रैफिक बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और अभी जो है आपको पता है कि संडे है, स्कूलों वाली ट्रैफिक तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो लोग काम पे जाते हैं अपने अपने ऑफिस जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर निकल गए। इसके अलावा ट्रक वगैरह तो होते हैं सुबह सुबह टाइम, रात सारी चल रहे होते हैं ट्रक मेन रोड के ऊपर। अभी बसें भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी हुई हैं, बसें भी चलती हैं रात को, लेकिन अभी जो है ना ज़्यादा हो गई, सामने से 2-3 बसें आ रही हैं। लेके यहाँ से लेते हैं हम लोग टर्न और वापस अपने कैंची मोड़ की तरफ चलते हैं, काफ़ी आगे आगे हैं। अब मेरे हाथ जो है ना सुन हो चुके हैं बिल्कुल यार, इस टाइम सर्दी की वजह से। मैं ना छुट्टियों की बात कर रहा था, मेरे जो कॉलेज में मेरे दोस्त होते हैं ना जिनके साथ मैं अक्सर व्लॉग बना रहा होता हूँ, उन दोनों ने पता नहीं किस शादी में जाना था, दोनों की इकट्ठी शादी आई, उनकी इकट्ठी शादी आई और उन्होंने इकट्ठे उन्हें छुट्टियाँ ली। अब वो उन्होंने इतनी छुट्टियाँ ली जितनी कि गवर्नमेंट ने अगले दिन अनाउंस कर दी, तो यानी कि उनका छुट्टी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हें वैसी छुट्टियाँ हो जानी थी, 7 बजे भी होगी। और भी बात है यार, सुबह सुबह जो है ना अगर आप निकल के सर्वे करें ना थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग ही नज़र आएंगे, ठीक है जवान लोग नहीं नज़र आ रहे बिल्कुल भी। बाकी इस टाइम जो है ना दरअसल लोग नमाज पढ़ के जो जा रहे होते हैं घर, वैसे अभी तो नमाज का टाइम ख़त्म हो गया हुआ, लेकिन वो जो बाद में वो एक बैठते हैं क्या नाम है जमात टाइप बना के बैठते हैं, और कोई लंबे चौड़े जो हैं वो निकाल लेते हैं
जो भी करते हैं यार, तो वो भी सुन सुना के जो है ना लोग वापस जा रहे हैं ठीक है अपने घरों को। आप अभी ना मैं आपको ये वाली सड़क दिखाता हूँ, इस पर कुछ दिन पहले हुए थे तजावुजात और उसके रिजल्ट में हुआ ये था कि यहाँ पे ना कोई रेडी खड़ी हो सकती थी, ना कोई यानी कि ना फजूल की चीज़ इधर नहीं रख सकते थे आप खड़ी कर सकते थे। वो सड़क यानी कि वन वे साइड, दोनों सड़कों के साथ जो वन वे साइड, टू वे के साथ जो वन वे साइड है दोनों सड़क साइड पे, तो ये इधर जो है तजावुजात हुए थे। लेकिन अभी जो है ना जैसे जैसे काम ठंडा हुआ ना 3-4 दिन के बाद, तो ये दोबारा से सब्जी वाले इधर लाइन में लगने शुरू हो चुके हैं। चलो जनाब जिसका नसीब जहाँ, डिसिप्लिन का ख्याल करना चाहिए वैसे थोड़ा बहुत। जनाब तो भाई वेलकम बैक हो गया दोबारा से अपने मोहल्ले में, भाई पहुँची हैं ठीक है। अभी अंदर चलते हैं घर में और कुछ खाने वाला मिल जाए तो बहुत ही यार ज़बरदस्त बात हो जाएगी, नहीं तो भाई सफ़र करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जनाब नाश्ते का इंतज़ाम तो बड़ा ज़बरदस्त है ठीक है, आलू वाले पराठे बने, उनकी फुली तौर पर प्रिपरेशन हो चुकी है ठीक है, लेकिन बनेंगे अभी नहीं, कुछ ठहर गए। तो खैर अभी जो है ना मुझे मिला है जनाब हलवा, आलू का सॉरी आटे का हलवा, मैं कहने लगा था आलू का हलवा क्योंकि मैंने अभी आलू का मसाला देखे ना, आलू वाले परांठे बने, तो अभी मुझे मिल गया ये हलवा। हलवा खाते हैं ये आटे का भुना हुआ हलवा, और अपना फेवरेट यही है ना कि वो सूजी वाला खा लेते हैं लेकिन इतना खास नहीं, ये वाला ज़्यादा पसंद है, ये रात बनाया था तो अभी जो है ना खाते हैं। जनाब अगर आपने खाना हलवा तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैंने तो बिस्मिल्लाह करनी ही है। A few moments later. तो अभी मैं जो है ना आके सो गया हुआ था ठीक है हलवा शलवा खा के, तो अभी जो है ना उठ गया दोबारा से, अभी मैं पानी लेके आया हूँ और मार्केट जो है ना सारी बंद है ठीक है, बिल्कुल A to Z मार्केट बंद करवाई हुई है पुलिस वालों ने। तो खैर अभी जो है ना अपना नाश्ता तैयार हो रहा है, आलू वाले परांठे के बच्चे खा भी रहे बैठ के, तो अभी अपना भी नाश्ता तैयार हो रहा है, जैसे तैयार होता है तो हम भी नाश्ता करते हैं। सुबह से जो है ना आलू वाले, बल्कि रात से इंतजार कर रहा हूँ मैं आलू वाले परांठे का, तो अभी फाइनली हमें कुछ देर में मिल जाएंगे। आलू वाले परांठे, तो फाइनली अपना इंतजार हुआ खत्म, आ गए हैं जी परांठे आलू वाले खाने, तो आए बिस्मिल्लाह जी, नहीं तो मैं तो खाने लगा हूँ। आप तो भाई नाश्ते वगैरह जो है कर लिए ठीक है, अभी जो है टाइम हो गया नमाज का, जोर की नमाज जो है ना चल के पढ़ते हैं मस्जिद में, मैं रेडी हो गया हूँ अभी जो है ना चलते हैं मस्जिद में और नमाज पढ़ते हैं। आप नमाज पढ़ लिए ठीक है, अभी जो है ना आप लोगों को मैं चल के मार्केट एक्सप्लोर करवाता हूँ कि मार्केट के क्या हाल हैं, क्योंकि आज तो सारा दिन दुकानें जो हैं वो बंद रहने वाले थी, देखते हैं चल के क्या कंडीशन है। जनाब सूरज का तो नामो निशान नहीं है जी किसी तरफ भी, बादलों ने कवर किया हुआ है सूरज को अच्छी तरीके से, सामने भी सिर्फ एक होटल खुला हुआ है, बाकी ये लोगों ने हाफ शटर खोल के जो है अपना निज़ाम चला रहे हैं, बाकी इस तरह सब्ज़ी वगैरह जो है अलाउ थी, इनका कोई मसला नहीं है। होटल वगैरह भी मज़े से बंद रखने का लान है, पता नहीं अब, लेकिन ये देखें खुले में होटल, तो बाकी अभी आगे चलते हैं मज़ीद। इस सब भी ये देखें बैंक भी बंद है, आगे भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप्स भी बंद है सारी, तो अभी आगे चलते हैं। इस तरफ भी सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, लेकिन कई लोगों ने शटर खोले हुए हैं, जैसे ही पुलिस आएगी शटर डाउन हो जाएंगे। जनाब दुकानें बंद भी हैं और काफ़ी खुली भी हुई हैं, यानी कि मिक्स प्लेट ही बनी हुई है, कई लोगों ने खोली हुई हैं कई लोगों ने बंद है। इस सब जो है देखें आप मार्केट बंद है सारी, ये दुकानें बंद है सारी, ये वाली है जी अपनी मार्केट और ये देखें ये भी सारी दुकानें जो हैं बंद है, सिर्फ एक किराने स्टोर की दुकान खुली है, बाकी सब कुछ A to Z जो है ना बंद है दुकानें। हाँ तो मैंने आप लोगों को कंडीशन दिखाई है मार्केट की कि भाई दुकानें खुली भी हैं कुछ और, लेकिन ये वाली जो मार्केट दिखाई है ना ये सारी बंद है, बड़े गंदे लेवल के ट्रैफिक जो है ना जैम हो चुकी है हर तरफ, पता नहीं क्यों इतनी ट्रैफिक डेंसिटी, बल्कि मैं आपको बताता हूँ क्यों बंद है। देखेंगे आप तो जो रास्ता है वो बंद है, वन वे बंद है, दूसरी साइड पर डबल ट्रैफिक चल रही है जी। आप ट्रैफिक की डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से एक अदद ब्रिज की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है यहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, ऐसे लग रहा था प्राइवेट रोड है। उस तरफ देखो कितना रश है, जिस तरह के इकोनॉमी क्लास एंड दिस वन साइड इज़ बिजनेस क्लास, तो भाई ये रोड जो है बुक हो गया है समझो अपने लिए। वो आगे जो है ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, जो ब्रिज के पिलर्स लगते हैं ना उनकी कंस्ट्रक्शन वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो भाई इस तरफ ये देखें कि भाई ये जो बसेज़ हैं ये शॉर्टकट ले रही हैं यहाँ से। खैर अभी ये सड़क तो बंद रहेगी कुछ दिन तक शायद। सुनने में ये आया है कि ये जो अलफतह था ना इधर, ये ख़त्म हो चुका है इस मॉल में से, क्योंकि वाले साहब की एंट्री हो गई है तो अभी बेटे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सरगोधा में इम्तियाज मेगा मॉल बन चुका है, उसके बाद से इसकी वर्थ ख़त्म हो चुकी है। अब इस रोड पे टू वे ट्रैफिक चल रही है, उसकी वजह से ना ट्रैफिक जैम थी कैंची मोड़ पे, और आगे भाई साहब कंस्ट्रक्शन जो है चल रही है, भाई क्या मशीनरी आई हुई है बड़ी लेवल की, ये इधर मेरे ख्याल से ना ड्रिल कर रहे हैं मशीन सड़क के दरमियान में, और पहले भी मैं देख के गया था उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था, तो अभी जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ क्या सीन है इधर। अब क्रेनें भी मौजूद हैं और ये कुछ कर रहे हैं इधर खुदाई,
आगे कुछ खड़ा है। कोई आइडिया नहीं है कि ये ब्रिज कब तक कंप्लीट होगा। वैसे तो मंसूबे अक्सर 5 साल होते हैं, लेकिन इसको 5 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये जनाब ये मेरा पाकिस्तान है ना, इसलिए मैं अभी कहीं जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जिस टाइम मैकडोनल्ड्स पे। मैकडोनल्ड्स किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। शायद ही कोई ऐसा एयरपोर्ट या मोटरवे होगी जहाँ पे मैकडोनल्ड्स आपको मैकडोनल्ड्स ना मिले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी मैकडोनल्ड्स क्या देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स का हो चुका है बाइकॉट। बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, और भी कई मुल्कों में हो चुका है, और बाइकॉट आपको पता ही होगा क्यों हुआ है जनाब। कि जब मियां बीवी की लड़ाई हो ना, तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मियां बीवी तो आपस में सुलह कर ही लेते हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा होता है ना, उसकी बिस्ती होती है। बेसिकली मैकडोनल्ड्स इसराइल की है, और इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जो जंग हो रही है, तो इसराइल के जो सोल्जर्स हैं उनको मैकडोनल्ड्स ने मील्स यानी कि खाना जो है डोनेट किया है, ठीक है। इस वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी कई मुल्क, इस्लामी मुल्क जहाँ पे इंसानियत का दर्द है और वो फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं, वहाँ पे जो है मैकडोनल्ड्स को प्रॉपरली बाइकॉट कर दिया गया है। मैकडोनल्ड्स के अलावा और भी जितने इसराइली प्रोडक्ट्स हैं सबको जो है ना प्रॉपरली बाइकॉट किया गया है। बात है जनाब, जब उनका बाइकआउट हो गया, अब उनका कारोबार नहीं रहा, तो उन्होंने दिया है आवाम को लालच, यानी कि उन्होंने रखा है जी 60% ऑफ अपने पूरे मेन्यू पे मैकडोनल्ड्स वालों ने, ताकि जो है आवाम उनका किसी न किसी तरीके यार खा ही ले आके। इसी सिलसिले में अभी मैं जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है मैकडोनल्ड्स की, कुछ है भी है या ख़त्म होगी। तो अभी हम लोग उस रोड पर आ गए हैं जहाँ पर मैकडोनल्ड्स वाक़ है, तो अभी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीन है। मौसम जनाब ख़राब हुआ है, बारिश वाला लग रहा है मुझे मौसम के, बारिश हो सकती है, लेकिन दुआ मेरी यही है कि बारिश ना हो। वैसे भी आज कराची में, इस्लामाबाद, कई इलाकों में बारिश हुई यार, तो इधर भी हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन मेरे घर पहुँच लूँ उसके बाद बेशक हो जाए। खैर अभी जो है ना जल्दी से चलते हैं। वैसे मौसम इंजॉयमेंट वाला भी है, ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। आप तो मैकडोनल्ड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, और बड़ी देख के खुशी हुई है कि जो है ब्रांच इस टाइम इन लोगों की बंद है, प्रॉपरली बंद, यानी कि जिसे कहते हैं ना। और सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद उन्होंने अपनी सीटिंग बंद कर दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आप ऐप के थ्रू जो है मेन्यू ऑर्डर कर सकते हो, और ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी भी नहीं है, यानी कि प्रॉपरली ब्रांच तो उनकी बंद है, सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन खाना ले सकते हो यहाँ से। इतनी दूर हम लोग सिर्फ यही देखने आए थे कि इनका क्या सीन चल रहा है अभी या ख़त्म हो चुका है, तो सीन तो इनका ख़त्म हो गया, यानी कि प्रोग्राम तो बढ़ गया इनका भी। एक गली है यार, इधर अपने कॉलेज के सर रहते हैं और ये बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के सामने है, तो इसलिए मुझे इस गली का एड्रेस जो है ना हमेशा याद रहता है। ये जनाब आजकल केक्स एंड बेक्स से भी अवॉइड करें, क्योंकि इनके भी जो है ना केक्स में से चूहे निकल रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा शक जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आज जो गवर्नमेंट ने शॉप्स बंद करवाई हुई हैं इस वजह से ना वो मैकडोनल्ड्स बंद हो। तो जब कोई रेगुलर डे शुरू होंगे एक दो दिन में गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्ती, ये पाबंदी ये ख़त्म होगी, तो हम दोबारा से विज़िट करेंगे और फिर देखेंगे इनका क्या सीन है। लेकिन मैंने अभी गार्ड से जब पूछा ना, तो उन्होंने कहा जी कि ब्रांच तो बंद है, आप सिर्फ और सिर्फ ऐप को यूज़ करते हुए ऑर्डर कर सकते हैं, और ड्राइव थ्रू भी बंद है उनका। अला सीन चेक करो यार, ग्रीनरी कितनी खूबसूरत लग रही है, और क्या ही बात है यार, दिल गार्डन गार्डन हुआ, क्या बात है भाई। दो दफ़ा जनाब मैं ना कॉलेज से छुट्टी करके इस रस्ते से आया था, तो यहाँ पे जनाब जब मैं शाम टाइम जा रहा होता हूँ ना, इतनी सर्दी होती है ना, तो मैंने तो भाई एक दिन इधर से गुजरा, फिर अगले दिन तो मैं जहाँ से आता हूँ मैं वहीं से आ रहा हूँ, यकीन करो। तो खैर यहाँ पे दरअसल खुला इलाका है, ये देखो ना सारा हरियाली हरियाली हर तरफ, इस वजह से बहुत ठंडी हवा इधर चल रही होती है। क्या बात है, घोड़े जो है ना सफ़र करते हुए जा रहे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं, वो भी एक सामने भी जा रहा है हमारे। जनाब हम लोग जा रहे हैं जी वापस घर, इधर से भी मशीनरी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो मैं सही तरीके से दिखा नहीं सका था, बिकॉज उस रोड की हालत भी कुछ इस तरह की है, जंप वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो भाई ये कुछ टावर वगैरह खड़े किए हैं इन्होंने, इसकी मदद से ना खुदाई कर रहे हैं और पानी निकाल रहे हैं भाई, कोई इस तरह का सीन है। ये देखो भाई बड़ी बात है यार, माशाल्लाह से पाकिस्तान के भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो भी इतने जदीद आ चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें जी यहाँ पे पानी निकल रहा है, तो खैर वो वाली सड़क तो जाम यानी कि ब्लॉक की हुई है, लेकिन फिर भी बाइक्स वालों को रास्ता मिल रहा है, जिसका कि हमें मिल गया था। वैसे जनाब कैंची मोड़ पूरी तौर पे ब्लॉक्ड है इस टाइम, और हम लोग यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है। चलो भाई भाई ये चेक करो कितनी हद तक ट्रैफिक जैम है। खैर हमने तो यहाँ पर जाना है,
हमें जो है फ़ायदा हो गया यू टर्न का, लेकिन कई लोगों को नहीं फ़ायदा क्योंकि उन्होंने तो जाना फिर भी सीधा ही है ना, स्ट्रेट जाना है। आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म, क्योंकि मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और जितनी मैंने साइकिल चला रही है मेरी टांगें मुझसे माफ़ी मांग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।